स्पीडी कुकिंग में आपका स्वागत है। आज काजू की कतली बनाते हैं। आपको 2 फुल कप अच्छा फ्रेश काजू लेके उसको खूब महीन पीसना है। पीस के उसको छान लेना है। छना हुआ एक अलग प्लेट में रख लीजिए। उसके बाद कढ़ाई चढ़ा के सेम मेजर वाले कप से आप चीनी ले लीजिए। 1 कप चीनी कढ़ाई में डाल दीजिए और 1/2 कप उसमें पानी डालिए। डाल के उसको चलाते जाइए। चला चला के चीनी गल जाएगा। उसके बाद उस चला चला के एक तार का जब पाक आने लग जाता है तब उसमें आपको ये काजू का पाउडर डालना है। डाल के अच्छी तरह से कम आँच में मिलाना है और बिल्कुल जलना नहीं चाहिए। आज उसको मिलाते जाने से बिल्कुल आटा जब गूंथते हैं तो जैसा हो जाता है उस तरह से हो जाता है, मतलब भुन भुन के वैसा हो जाता है। उस स्टेज में आपको उसमें एक बड़ा चम्मच टेबलस्पून घी डालना है और टीस्पून से इलायची का पाउडर डालना है। ये 2 डालने के बाद थोड़ा सा और पानी आ जाएगा और थोड़ा और चलाइए। चला के उसको एकदम सूखा हुआ गोले की तरह बन जाता है, जैसा खोआ का गोला है उस तरह बन जाता है। ऐसे स्टेज में उसको बंद कर दीजिए। बंद करके वो बटर पेपर होता है ना, बटर पेपर के ऊपर में उसको डाल दीजिए। डाल के इसको चम्मच से थोड़ा उधर इधर हिला के ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर करके उसको थोड़ा ठंडा करने का कोशिश कीजिए। हाथ से छूने लायक जब हो जाएगा तो उसको हाथ से अच्छी तरह सान के, जैसे आटा सानते हैं, खूब सान के सॉफ्ट करके उसको गोले की तरह बना लीजिए। बना के आपको बटर पेपर पर, अगर ठीक है बटर पेपर थोड़ा ख़राब हो गया तो एक और बटर पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर वो गोला को रखिए और एक और बटर पेपर उस गोले के ऊपर रखिए। अब थोड़ा सा दबा के आप जैसे रोटी बेलते हैं ना, जैसे आलू पराठा बना रहे हैं आप, थोड़ा सा मोटा होता है मामूली रोटी से, उस तरह आप बेलते जाइए। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि जैसे भी आपको काटना है उसको, तो लेकिन सब तरफ बराबर होना चाहिए, कहीं मोटा कहीं पतला ऐसा नहीं, सब तरफ बराबर होने लायक आप बेल लीजिए। बेल के धीरे से ऊपर का पेपर निकाल दीजिए। निकाल के उसमें जो चांदी का वर्क होता है ना उसको चिपका दीजिए। चिपका दीजिए उसके बाद उसको आप चाकू से, शार्प चाकू से काटिए। ठंडा होने के बाद ही करना है, बिल्कुल ठंडा, तब अच्छी तरह नीटली कटता है। उसको स्क्वायर मत काटिए, थोड़ा सा डायमंड शेप होता है तो अच्छा लगता है, तो आप काट लीजिए। काट के उसको फिर किसी प्लेट में सजा लीजिए। अच्छी तरह सूखने के बाद तो कंटेनर में भी टेढ़ा नहीं होता है, बिल्कुल ठीक रहता है, उसका शेप ख़राब नहीं होता है और इतना बढ़िया बनता है कि बिल्कुल बाजार का लगता है। अब चांदी का वर्क लगाने के बाद तो बिल्कुल बाहर का लगता है। चांदी का वर्क हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, ऐसे फेस्टिवल्स में या पार्टीज में तो लगा देते हैं हम लोग, घर में जब खाने के लिए बनाते हैं तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी टेस्ट उसका अच्छा लगता है। तो अब ज़रूर बनाइएगा, इस होली में आप काजू की कतली बनाइए।